राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ नताल्या स्टेपनोवा। ये जो है ये एक रशियन कहानी है जिसमें क्या होता है कि एक लड़की जो है ये नताल्या वो बैठती है अपने प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड के साथ जिसका नाम है लेमोव, और वो दोनों बात कर रहे होते हैं, लेकिन बात होते होते ही एक मिडोज के ऊपर में झगड़ा होने लग जाता है। और उसमें ये दिखाया गया है कि किस तरीके से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग, एब्यूसिव और इंसल्टिंग एटीट्यूड है उस लड़की का। अ प्रोमिनेंट कैरेक्टर इन द प्ले द प्रपोजल, नतालिया इज अ यंग अनमैरिड गर्ल ऑफ 25, 25 साल की लड़की है जिसकी शादी नहीं हुई है। हर फुल नेम इज नतालिया स्टेफनोवा एंड सी इज द डॉटर ऑफ चुबकोव। उसका पूरा नाम जो है वो नतालिया स्टेफनोवा है और वो चुबकोव की बेटी है। नतालिया इज अ गुड हाउसकीपर, वो घर वर संभालना जानती है, एंड एन एडुकेटेड गर्ल, और एक शिक्षित लड़की है विद गुड लुक्स, देखने में भी सुंदर है। सी इज शॉर्ट टेम्पर्ड, लेकिन उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता है, एंड अ गाउडी नेचर्ड गर्ल एंड अ ग्रजी नेचर्ड गर्ल, झगड़ा और मनमुटाव रखने वाली लड़की है। सी हैज नो सच रेस्पेक्ट फॉर लेमोव, और उसके मन में लेमोव के लिए कोई भी सम्मान नहीं है। टिल सी कम्स टू नो दैट ही वॉन्ट्स टू मैरी हर, तब तक जब तक उसे यह नहीं पता चलता है कि यह लड़का जो है यह मुझसे विवाह के लिए उत्सुक है। लेमोव इज ए रिच मैन, लेमोव एक अमीर व्यक्ति है, एंड नतालिया इज इंटरेस्टेड इन हिज मनी, लेकिन नतालिया जो है उसका पूरा इंटरेस्ट, उसका पूरा ध्यान जो है वो उसके धन संपत्ति पर है। हाउएवर सी लॉन्ग्स फॉर लव एंड हर फादर कॉल्स हर अ होमसिक कैट, वो जो है वो भी चाहती है कि कोई मतलब उससे जुड़े, भावनात्मक रूप से जुड़े, और उसके पिता जो है उसे होमसिक कैट कहते हैं। दो लोमोव सेज दैट सी इज वेल एडुकेटेड, लोमो कहता है कि तुम अच्छी पढ़ी लिखी हो, बट सी डज नॉट सीम टू बी सो, लेकिन उसका व्यवहार जो है वो ऐसा है जिसे यह नहीं पता चलता है कि इस बात में दम है। सी इज वेरी क्वारलसम, वो बहुत झगड़ालू है, एंड एब्यूसिव, गाली गलौज करने वाली है। सी पिक्स अप अ बिटर क्वारल, वो बहुत बुरा झगड़ा ठान लेती है विथ लोमो ओवर अ पीस ऑफ लैंड दैट सी हैज दैट हैज लिटिल वैल्यू, वो जमीन के एक टुकड़े के बारे में झगड़ा करने लग जाते हैं और जो कि बहुत ज्यादा मूल्य का नहीं है। ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन, बातचीत के दौरान, कन्वर्सेशन सी एब्यूसेस लोमोव अ लॉट एंड इंसल्ट हिम, बातचीत के दौरान वो उसको कई बार उसको अपमानित करती है और गाली गलौज भी करती है। सी क्लेम्स दैट मिडोज बिलोंग टू हर एंड सी कांट बियर द इनजस्टिस एट एनी कॉस्ट, वो ये क्लेम करती है कि वो मिडोज जो है वो चारागाह जो है वो उसका है और वो कोई भी नाइंसाफी पसंद नहीं करेगी, इनजस्टिस किसी भी कीमत पे कोई नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करेगी। When Lomov comes back, she again starts quarreling about the superiority of her dog. झगड़ा शांत करने के लिए लोमोव थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर निकल जाता है, जब वो वापस आता है तो वो फिर उसे झगड़ा शुरू करना स्टार्ट करती है कि भाई अब इस बार मुद्दा क्या है कि मेरा कुत्ता बहुत अच्छे ब्रीड का है, सुपीरियोरिटी। सी बैडली अब्यूसेस लोमोव विदाउट थिंकिंग दैट ही इज हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, वो बिना सोचे समझे जो है वो उसे झगड़ा कर रही है, लड़ाई कर रही है, और ये वो भूल जा रही है कि ये भावी पति है उसका होने वाला। सी इज ओनली इंटरेस्टेड इन प्रूविंग हर पॉइंट राइट, वो केवल इस बात पे ज्यादा जोर दे रही है कि भाई मेरी बात सही है, मैं सही हूं, एंड फाइट्स अंटिल सी गेट्स द कंट्रोल ओवर लोमोव, और वो झगड़ा करके यह सिद्ध करना चाहती है कि भाई हर चीज हमारे कंट्रोल में है।